गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मीचू। आज मैं बता दूं, मम्मी हाँ, तो मैं बोल रही थी कि या तो आज मेरी एनर्जी बहुत ही लो होने वाली है या तो बहुत ही हाई होने वाली है, क्योंकि मेरी लिटरली पूरी बॉडी दुख रही है। मतलब मुझे एकदम बुढ़ापे वाली फीलिंग आ रही है। मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा हिप दुख रहा है, मेरा लेग दुख रहा है, मेरा बैक दुख रहा है, मुझे पूरी बॉडी दुख रही है। और कल तो मैंने पूरा दिन ऐसी पड़ी थी, लिटरली पड़ी थी, सीलिंग देख रही थी। आज मैंने सोचा जाती हूँ सौम्या, बेड से निकल, फिल्म कर, मे बी यू विल फील बेटर। और ऐसे सब मैं करती हूँ, मैं डॉक्टर के पास ही जाती हूँ, ये सब चीज़ें करती हूँ। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही वियर्ड इंट्रोडक्शन था, आई एम सो सॉरी। आई एम गोइंग टू डू ए मिनी हॉल इन नायका हॉल। मैंने बहुत लिमिटेड सामान मंगाया है, बिकॉज यू गाइस नो नायका समर सुपर सेवर डे सेल था। और आप जैसे ही ऐप में अगर चले गए तो आपको कुछ ना कुछ, मतलब आप खाली है तो बाहर आ ही नहीं सकते। तो मैंने कुछ सामान लिया था, मैंने सोचा था मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे फाइनली लाइफ में ऐसा लगता है कि अब मेरे पास बहुत मेकअप हो गया, अब मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेकअप है उसका मुझे अपना पूर्ण उपयोग करना है, फिर नया लेना है। बट ऐसा नहीं हुआ, मैंने मंगा लिया। कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है बनी लाइफ में, ओवर एक्टिंग के 50 रुपये कट। सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस के ब्यूटी आई शेडो स्टिक। आई लव ऑल द के ब्यूटी आई शेडो स्टिक्स, दे आर रियली ईजी टू यूज़ एंड स्पेशली दिस वन। दिस इज इन द शेड इंडल्ज, दिस इज ए प्रॉपर चॉकलेट ब्राउन कलर। ये एक्चुअली मेरा सेकेंड है, पहले PR में आया था और वो पूरा तरीके से ख़त्म हो चुका है। सो आई ऑर्डर दिस वन एंड इट्स रियली ईजी टू अप्लाई। और ये ना, ये 599 का है, मतलब 600, और मिला है मुझे 509, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला है, तो मैंने ये लिया। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा है। मैंने मेकअप ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊँ। सो लेट मी ज़ूम इन। So I just like to apply randomly like this, see, and just blend it out. बहुत ही ऑन द गो वाला प्रोडक्ट है ये। आई थिंक स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन दिस इज़ ए ब्रिलियंट प्रोडक्ट, बिकॉज यू कैन अप्लाई दिस ऑन द गो। और ऐसा लगता है कि आपने बहुत टाइम लगाया है, आराम से अपने पे मेकअप किया है, बट असलियत में सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट है। आई एम ऑल्सो गोना अप्लाई अंडर माई आईज। What is this texture? Ekdam butter hai, look at this. This is the number one product I got. ये छोटा सा मिनी ट्यूटोरियल मेरे को दिखाना था, इसके लिए कर दिया, ज़्यादा फैंसी कुछ करना नहीं था। तो अभी मैं बस मस्कारा लगाती हूँ एंड आई बी राइट बैक। हाई, सो आई एम बैक। दिस इज हाउ माई आईज आर लुकिंग विद मस्कारा। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज दिस हुडा ब्यूटी कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर क्रीम। द टेक्स्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट इज प्रॉपर क्रीम। ये मैंने बहुत यूज़ कर लिया है जब से आया है, आई मीन 3-4 दिन हो गए हैं पैकेज का आए हुए, तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज़ इन द शेड फेयर एंड आई गॉट इट फॉर ₹1750 और MRP है 2500, विच इज़ अ ग्रेट डील। क्योंकि अगर 2500 का होता तो शायद मैं नहीं लेती, बट क्योंकि 1700 का है तो मैं सोचा चलो ट्राई भी हो जाएगा। एंड यू गैस नो कि मैं लेटली बहुत ही ज़्यादा इंटू कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग में हूँ, सो आई गॉट दिस वन एंड आई वुड लाइक टू शो यू ऑल हाउ इट लुक्स ऑन माई स्किन। लेट मी टेक आउट माई कॉन्टोर ब्रश। इफ यू गैस वॉन्ट टू सी ए डिटेल्ड ब्रॉन्जिंग लुक, मैंने लास्ट फ्राइडे किया है, आई पुट द वीडियो या डू चेक इट आउट। आई नो इसमें क्वालिटी थोड़ी वियर्ड है वीडियो की, लेकिन सॉरी, इसका एक्सपोजर बहुत बढ़िया था। बट आई एम गोना टेक दिस प्रोडक्ट और मैं डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को अपने ब्रश में लेती हूँ। मैं कितने डम हूँ, मैंने ऐसा क्यों किया, ज़्यादा ही मेकअप आर्टिस्ट बनने का मन कर रहा है। सो अच्छा, इट ब्लेंड्स ब्यूटिफुली, लुक एट दिस। To be honest, this product is really nice, very convenient, very comfortable to use. But मैं ऐसी wow भी नहीं हो गई हूँ कि क्या product है, कि अब तो मैं यही use करूँगी। जैसे मेरा Fenty Beauty का bronzer है, जैसे K Beauty का concealer है जो dark shade में मैं use करती हूँ as a contour, उतनी भी मैं wow नहीं हुई हूँ। But it's an okay product I think, और इस range में दूसरे भी आ सकते हैं, इसके लिए शायद मैं ऐसा सोच रही होंगी। बट अब क्योंकि 1700 का ले लिया तो यूज़ तो करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आई गॉट आर टू ब्लशेस, वन इज फ्रॉम हुडा ब्यूटी और इसका साइज देखना, एंड अनदर वन इज फ्रॉम मिस क्लेयर. लेट मी ओपन द पैकेजेस फॉर यू गाइस. पैकेजिंग दोनों की बहुत ही प्यारी है, हुडा ब्यूटी की कुछ ज़्यादा ही प्यारी है पैकेजिंग. लुक एट दिस. And the another one is from Miss Claire, and look at the quantity, guys. And this is in the shade 07. This is for 1850, और इसका price है 275. और उस पर भी offer मिला है, तो ये है कुछ 234 का. This is insane, literally. Look at this. मुझे ना दोनों के कलर पसंद आए. कल मैं और सिमरन ये टेस्ट कर रहे थे कौन सा अच्छा है. अब तक मैंने फेस पे नहीं लगाया, बट लेट मी स्वच इट फॉर यू गाइस. पहले मैं मिस क्लेयर का बताती हूँ. दिस डस हैज शिमर पार्टिकल्स इन इट, सो ये कुछ ऐसा दिखते हैं. ये पहले से क्या लगा है मेरे हाथ पे. मुझे दोनों ही कलर पसंद आया. दिस इज मोर ऑफ ए हाईलाइट आई फील, तो आपको शिमर लुक देगा, थोड़ा सा ग्लोई फिनिश देगा. एंड दिस इज अ मैट पिंक कलर. नाउ दिस इज नॉट ओवरली पिगमेंटेड, और मुझे ओवरली पिगमेंटेड ब्लश पसंद भी नहीं आते टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई शेडो नहीं है ये ब्लश है, तो हल्का ही चाहिए होता है, वरना ब्लेंड करने बहुत मुश्किल आती है. सो दिस इज ए डिसेंट पिगमेंट और मुझे दोनों ही पसंद आया है. बट टू बी ऑनेस्ट माई हार्ट इज विद द मिस क्लेयर वन, बिकॉज लुक एट द क्वान्टिटी, द साइज एंड द प्राइजिंग. इट्स जस्ट फॉर 234. आई हैव नो रिग्रेट, क्योंकि मुझे ये ट्राई करना ही था. और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है. पैकेजिंग कभी कभी अच्छी हो जाती है तो मुझे चल जाता है, क्योंकि फॉर मी मेकअप इज़ अ फील गुड थिंग. तो अगर मुझे, अगर मेरे वैनिटी में भी अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे अच्छा लगता है. ऐसा लगता है नहीं कि वेस्ट हो रहा है प्रोडक्ट. और ये सब चीज़ें ना बहुत साल चलती है, जैसे एक साल मिनिमम चलेगी, वो भी अगर मैं डेली यूज़ करूँगी तो. सो नो रिग्रेट्स. एंड नाउ आई एम जस्ट गोना शो यू ऑल हाउ इट लुक्स ऑन माय फेस. तो मैं एक साइड ना ग्लोइश लगाती हूँ इस तरफ, क्वाइट नाइस. कभी कभार ना मेरे मेकअप स्किल्स एकदम ऐसे जाते हैं कि लड़की को पहली बार हाथ में ब्रश थमा दिया है, बहुत ही वियर्ड लगाया है. दे बोथ आर लुकिंग इक्वली ब्यूटिफुल एंड आई थिंक दे बोथ आर काइंड ऑफ सेम. दोनों कोरल है, दोनों पिंकिश है, मुझे दोनों पसंद आ रहा है. और अगर आप उनमें से जिसको ग्लिटर शिमर पसंद है ब्लश में, दिस इज़ द वन, गो फॉर दिस वन. और मिस क्लेयर ब्लश बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास पहले भी रह चुका है और वो आई मीन 7-8 घंटे लास्ट करते हैं. मुझे ना दोनों प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं, मैं कोई फाइनल कंक्लूजन में नहीं आ रही हूँ. ये वीडियो ऐसे भी कंपेरिजन वीडियो नहीं है, बट लेट मी नो वॉट यू गेस थिंक, विच साइड इज़ लुकिंग नाइस अकॉर्डिंग टू यू. मुझे दोनों ही सेम लग रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा ग्लो है हल्का सा, जैसे मैं से टिल्ट होंगी थोड़ी, तो ये सर ग्लो इफेक्ट दे रहा है. एंड दिस इज ए मैट ब्लश. मुझे बतानी है. आई एम गोइंग टू मूव ऑन विद माय अनदर प्रोडक्ट. नाउ वी हैव सम ब्यूटी ब्लेंडर्स. दिस इज फ्रॉम पैक एंड दिस इज फॉर 555, और डिस्काउंट पर कुछ 500 के अराउंड मिला. बट ये ना मेरे पास ऑलरेडी 2-3 पड़े हैं और वो बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा नया ले लूँ. मैंने ये नहीं सोचा कि मैं धो सकती हूँ, मैंने नया ले लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा है ब्यूटी ब्लेंडर अगर मैंने बहुत टाइम से धोया नहीं तो उसमें मतलब बहुत अंदर से वो ख़राब हो चुका होगा. इसके लिए मैंने सोचा इट्स टाइम टू गेट अ न्यू वन, सो आई गॉट दिस वन. एंड दिस पैक, दिस पर्टिकुलर पैक ब्यूटी ब्लेंडर, दिस इज लाइक दिस. ये काफ़ी डिफरेंट है वो वाले से जो जैसे पैर में आते हैं, यू नो दो जो आते पैक के. ये ज़्यादा सॉफ्ट है और मुझे चलेगा अगर मेरा प्रोडक्ट थोड़ा अब्जॉर्ब किया ब्यूटी ब्लेंडर ने तो. लेकिन अगर एकदम स्टिफ होता है तो बस टक 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 करते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आता. फॉर मी दिस इज़ ए प्रॉपर ब्यूटी ब्लेंडर. बहुत ईजीली स्क्वीज हो जाता है एंड यू कैन ईजीली अप्लाई योर प्रोडक्ट. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट आई गॉट, और ये कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं है, मैंने पहले भी लिया था. एंड दी अनदर ब्यूटी ब्लेंडर इज ऑल्सो समथिंग जो मैंने, मेरा 3rd या 4th परचेज होगा. एज आई टोल्ड यू गाइस, मैं ना ब्यूटी ब्लेंडर बहुत जल्दी रिटायर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हाइजीन इशूज़ के कारण मुझे ऐसा लगता है. तो दिस इज़ फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक्स. दिस इज़ द कैमो कंसीलर स्पंज एंड ये एक्चुअली सिमरन ने लिया था, और ये 1 buy 1 get 1 में था, तो ये 1 get 1 वाला मुझे मिल गया और सिमरन ने लिया. सो दिस इज़ अगेन अ रियली ब्यूटीफुल ब्यूटी ब्लेंडर. ये बहुत प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करता है, उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, लेकिन मतलब ऐसे इवनली
प्रोडक्ट लगा देता है, एप्लीकेशन इतना अच्छा आता है। ये मेरा सबसे फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है, टॉप, इससे भी ज़्यादा मुझे ये पसंद है एक्चुअली। और इससे आप बहुत प्रिसाइज हो सकते हैं, यू कैन बेक, यू कैन कंटूर बिकॉज ऑफ द शेप। ये दोनों मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम स्किन केयर प्रोडक्ट्स। सो द फर्स्ट वन आई गॉट इन स्किन केयर इज दिस बॉडी स्क्रब। दिस इज रोज वाटर स्क्रब पिंक, बस ये नाम है। दिस इज एक्चुअली फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट और ये कुछ बाय वन गेट वन में था, मुझे तो एक ही मिला। अच्छा सॉरी, वो दूसरा प्रोडक्ट था। सो दिस इज फॉर 2299। मैंने इतना महंगा लिया इसे, ठीक है। सो दिस इज फॉर 2299 और मैंने ये यूज़ किया है थोड़ा। दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज़ अ प्रॉपर रोज़ की खुशबू। ये मैंने यूज़ किया फिर भी मुझे खुशबू अभी ज़्यादा आ रही है। आई फाउंड दिस प्रोडक्ट ओके, मतलब ये आपकी स्किन को ना एकदम क्या बोलते हैं अभी, स्मूथ कर देता है, बटर इफेक्ट देता है। बट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो डिटैनिंग के काम आए, जैसे एम कैफिन का है, और मुझे ऐसा कोई मिल नहीं रहा जो डिटैनिंग के काम है। सो इफ़ यू गाइस कैन सजेस्ट समथिंग प्लीज़ कमेंट डाउन। बट ये भी बुरा नहीं है, बट मुझे इतना भी मज़ा नहीं आया, 2299 जैसा नहीं है। और दूसरे आ सकते हैं, प्लम का है और भी प्रोडक्ट्स हैं, बट ये ओके है। बट क्वान्टिटी इज़ रियली नाइस, बाकी सबके क्वान्टिटी मतलब इतने होते हैं। द क्वान्टिटी ऑफ दिस वन इज़ आई थिंक 283 grams, विच इज़ रियली नाइस। और ये ना हार्श नहीं आपकी स्किन में, ये एक अच्छी बात है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत शुगर जैसा लग रहा है, बहुत इफेक्ट दे रहा है वो। दीज आर लाइक रियली फाइन एंड यू कैन मसाज योर स्किन और ये आपके साथ स्मूथ बटर इफेक्ट देगा। और अगर मॉइस्चराइज नहीं करो इसके बाद तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी स्किन ये ऑलरेडी इतना मॉइस्चराइज कर देता है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट आई गॉट एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई गॉट इज दिस कोरा ऑर्गेनिक्स टर्मरिक ब्राइटनिंग एंड एक्सफोलिएटिंग मास्क 2-in-1। अगेन ये भी मैंने यूज़ कर लिया है, एक बार यूज़ किया है, कल पर से यूज़ कर रही थी। तो ना मुझे क्या लगा, इससे मेरी स्किन को कुछ किया नहीं, नहीं, शुरुआत से बताती हूँ। सो मैंने ये प्रोडक्ट पहले लगाया, यू आर सपोज टू अप्लाई इन लाइक सर्कुलर मोशन, लाइक थोड़ा सा मसाज करते हुए लगाना, एंड यू हैव टू कीप इट फॉर लाइक 15-20 minutes एंड देन राइस इट ऑफ इन अ सर्कुलर मोशन अगेन एज इफ यू आर मसाजिंग योर स्किन। तो ये सब मैंने किया, बट मेरी स्किन पूरी लाल हो गई थी, एकदम ऐसे सेंसेशन आ रहा था इधर इधर, कुछ अलग सा पिंक पिंक सा हो रहा था। ये मेरे साथ बहुत कम होता है, मेरी स्किन इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती है, पर इसमें रिएक्ट हुआ तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई थी और मुझे लगा था कि मैं यूज़ नहीं करूँगी अब से। अब प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, पर मेरी स्किन में हो सकता है कि कुछ इंग्रीडियंट ऐसे होंगे जो सूट नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम अ वेल नोन ब्रांड कोरा ऑर्गेनिक्स फ्रॉम मिरिंडा केयर, और मैं उनके बहुत वो के ब्यूटी वीडियो सेक्टिव वगैरह, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आकर्षित थी इस ब्रांड को लेके। एंड दिस इज़ फॉर ₹2150, बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब क्योंकि मैंने इतने सारे वीडियोस देखे थे तो मैं इन्फ्लुएंस हो गई थी यूट्यूब देख के, तो मैंने ले लिया और मेरी स्किन बहुत रेड हो गई थी जैसे कि मैंने बताया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ये मेन बात है बताना, कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर लाल थी, सिर्फ 15 मिनट था, तो मैंने रोज़ वाटर लगाया, कुछ नहीं किया, रोज़ वाटर लगाया जिससे थोड़ा काम डाउन हो जाए स्किन, और कुछ हुआ नहीं है, कुछ रिएक्शन नहीं आया, कोई बम्स नहीं आया, कुछ नहीं आया। मुझे लग रहा था कि बस आज शाम तक, आज रात तक या कल सुबह तक बम्स तो आ ही जाएंगे, बट कुछ हुआ नहीं। सो आई एम हैप्पी, आई एम रिलीव्ड। तो प्रोडक्ट अब मुझे नेक्स्ट टाइम यूज़ करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो मे बी छोटा सा कुछ इंग्रेडिएंट के कारण रिएक्शन टाइप होगा। ये पॉजिटिव वे में था, नेगेटिव वे में था, पता नहीं है, लेकिन ना मुझे उतना मज़ा नहीं आया जैसे वो इंस्टेंट ब्राइटनेस मिलती है ना कि आपकी स्किन एकदम साफ़ हो गई है, तरोताज़ा हो गई है, वैसी फीलिंग नहीं आई जैसे कि जो मेरा फेवरेट है कामा आयुर्वेदा का, उसके साथ जैसा होता है, इसके साथ वैसे मुझे मज़ा नहीं आया। बट आई एम गोना कीप ऑन यूजिंग इट, मे बी मैंने तभी तक ध्यान नहीं दिया, तो अब मैं शायद वापस ध्यान दूंगी। सो आई गॉट दिस वन, आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड, अगर मैंने वापस यूज़ किया तो मैं स्टोरी या कहीं तो डाल दूंगी। या दैट्स इट, अब जब वीडियो ख़त्म होने की बारी आई है ना तो सूर्य जी प्रकट हो गए हैं। इतनी देर से फालतू लाइटिंग में वीडियो लिया मैंने, so that's it for today's video, this is the outro, I hope you guys enjoyed it। क्या बात बताई कि ये outro है, whatever, आज बहुत ही lame बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं edit करूँगी तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मैंने सही तरीके से बात तो की है ना। but I hope you guys enjoyed it, the reason why I did this vlog, the reason why I did this video is कि
वीडियो खत्म होने की टाइम आई गई है लगता है. सो द रीज़न व्हाई आई डिड दिस वीडियो इज क्योंकि मुझे ना हॉल वीडियोस बहुत पसंद है नायका हॉल के, और क्योंकि मैं इतना सारा डाल रही थी इंस्टाग्राम पे तो कुछ लोग बोल रहे थे कि आप कुछ लेते भी हो यानी खुद से वगैरह वगैरह, तो ये बताने के लिए कि मैं लेती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ शॉपिंग. ये मैंने क्यों बात बोली मुझे पता है. सो आई एंड माय वीडियो हियर और अब मैं बस जा रही हूँ बेड में पड़े रहने, एडिट करूँगी बहुत देर बाद. आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट फ्राइडे. बाय.